अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सीएम पंक के रिटर्न, रोंडा राउजे के रिटर्न एंड और भी बहुत सारी सरप्राइज रिटर्न्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद टीज कर दी, क्या आप इस बात पे बिलीव करोगे? सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए एक बहुत बहुत ही बड़ी न्यूज लेकर आ गई हूँ, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद ये बात को टीज कर दी है कि सीएम पंक, रोंडा राउजे एंड और भी बहुत सारी सरप्राइज रिटर्न्स होने वाली हैं रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर। क्योंकि जो रॉयल रंबल पेपर व्यू का स्पेशली 30 मेंस रॉयल रंबल मैच है, उसका मतलब ज्यादातर यही होता है कि इस शो के ऊपर आप सभी को बहुत बड़ी सरप्राइज रिटर्न्स दिखाई देने वाली हैं। अब किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बात को टीज की है, सारी चीजों के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर मैं डिटेल में करने वाला हूं बात, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को तो मिस नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले, न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले, जो कि ज़रूर से एक ब्लॉकबस्टर न्यूज़ है, उससे एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस चैनल के साथ ही साथ मेरा एक और न्यू गेमिंग चैनल है, और जो मैंने न्यू गेमिंग चैनल है उस पर अभी फिलहाल दो वीडियोज़ डाली हैं। आपको ज़रूर से एक बार जाकर उन दो वीडियोज़ को चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भाई भरपूर एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा, आपको जो पूरे दिन का टाइम पास है आराम से उस चैनल से हो जाएगा। तो उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ज़रूर जाओ उस चैनल को चेकआउट करो, एक बार चेकआउट करो, अगर आपको पसंद आता है तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आपको डबल एंटरटेनमेंट मिलेगा, मजेदार गेम प्ले प्लस एंटरटेनिंग कमेंट्री। तो समझ सकते हो भाई किस लेवल का कंटेंट उस चैनल के ऊपर है। तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया, एक बार मैं सजेस्ट करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, इस वीडियो के बाद जाकर आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं आज की हमारी न्यूज की तरफ, जो कि इस बार रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर सरप्राइज रिटर्न्स के लीक के बारे में जुड़ी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना बैक स्टेज वाला शो अनाउंस किया है, और वहां पर यह अनाउंस हुई है कि भाई यहां पर WWE आप सभी को यह बात रिवील करते हुए नजर आएगी कि 30 नंबर पर कौन सा सुपरस्टार आने वाला है। तो तब से फैंस ये बात सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है ब्रॉक लेसनर की रिटर्न यहां पर अनाउंस हो जाए, शायद फैंस सोच रहे हैं कि यहां पर सीएम पंक को 30 नंबर पर रख दिया जाएगा, या फिर फिएंड से थ्रोलिंस, काफी सारे नाम निकल कर आ रहे हैं सामने। लेकिन जो सबसे ज्यादा चांसेस फैंस मान रहे हैं वो मान रहे हैं ब्रॉक लेसनर के एंड सीएम पंक के, जिनको इसी शो के लिए सिर्फ अनाउंस नहीं किया गया, जो कि WWE का बैक स्टेज का रिटर्न शो होने वाला है। तो चलो ये तो बात रही, फिलहाल क्या हाल फिलहाल स्टोरी चल रही है पूरे रॉयल रंबल पेपर व्यू के 30 मेंस रॉयल रंबल मैच को लेकर। अब WWE किस तरीके से ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक एंड रोंडा राउजे के रिटर्न टीज करती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि करती है WWE, वो रिसेंटली WWE ऑन BT स्पोर्ट्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए एक फोटो पोस्ट करती है, जिस फोटो का जो स्क्रीनशॉट है, खुद ब खुद जो फोटो है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। पहले यहां पर मैं कैप्शन की बात कर लूं, तो WWE ऑन BT स्पोर्ट्स यहां पर लिखती है कि रॉयल रंबल होता है बड़े रिटर्न्स के बारे में एंड बड़े डेब्यूज के बारे में। तो अगला कौन होने वाला है, अगर आपको ये बात जाननी तो आपको देखना पड़ेगा रॉयल रंबल 2021, जो कि 31 जनवरी को होगा और इंडिया के अंदर 1 फेब को ये पेपर व्यू होने वाला है। अब बड़े रिटर्न्स तो मैंने मान ली, लेकिन बड़े डेब्यू का क्या मतलब होने वाला है? अब यहां पर काफी सारे फैंस मेरी तरह यही सोच रहे होंगे। तो आप इस फोटो को देखोगे जो कि WWE ने खुद पोस्ट की है, इस फोटो के अंदर हम लोग रॉयल रंबल पेपर व्यू के पहले के कुछ बहुत ही बड़े मोमेंट्स देख पा रहे हैं। यहाँ पर ऊपर बुकर टी आप सभी को दिखाई दे रहे, रॉ वन डैम भी है, एच की जो सरप्राइज रिटर्न थी वो भी है, ट्रिश स्टैटस की जो वुमेन्स रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न थी वो भी शामिल है, प्लस यहाँ पर सीनेशियल लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सिना के भी एक एपिक रिटर्न, जो कि आज से कुछ साल पहले हुई थी, उसका भी एक कह सकते हो पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, AJ स्टाइल की डेब्यू वाली पिक्चर है, प्लस यहाँ पर ट्रिपल एच का चैंपियनशिप विक्ट्री भी शामिल है, जहां पर उन्होंने आई थिंक आखिरी में डीन एम्ब्रोस को एलिमिनेट किया था एंड वो न्यू चैंपियन बन गए थे इस रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर। क्योंकि उस 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर जो चैंपियनशिप है वो लगी हुई थी दाव के ऊपर, और आई थिंक रोमन रेंस चैंपियन थे एंड वो अपनी चैंपियनशिप को इस मैच के अंदर हार गए थे। तो ये तो बात रही कि भाई WWE ने किस तरीके से पुराने जो मूवमेंट्स हैं उनको इस फोटो के अंदर इंक्लूड किया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज गौर करने वाली वो ये है कि जो रॉयल रंबल पेपर व्यू के जो लोगो है उसके जस्ट नीचे आप कुछ मर्चेंडाइज देख पा रहे होंगे। यहां पर जो सबसे ज्यादा जानी मानी मर्चेंडाइज है, जो कि सभी फैंस को एकदम क्लियरली दिखाई दे रही है, वो सीएम पंक के एक्स वाले हाथ हैं, जिसका जो फोटो है वो आप लोग जरूर से देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा शायद जूम भी कर दूंगा यहाँ पे, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो WWE का BT स्पोर्ट्स वाला पूरा ट्विटर अकाउंट है, उसने सीएम पंक का ये वाला साइन भी पोस्ट किया है। इसका मतलब एक बहुत बड़ी रिटर्न होगी, प्लस जो रोंडा राउजे नीचे अटायर पहनती वो भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा जो ग्लव्स आप लोग देख रहे हो वो आपको साफ सा पता लग रहा होगा है हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के, और अब आप यहाँ पे एक कह सकता हूँ लाइट स्वॉट टाइप देख रहे हो, और ये जो लाइट स्वॉट टाइप है ये NJPW सुपर
सुपरस्टार जे वाइट का एक ऑफिशियल साइन आप जिसे कह सकते हो, जिसे भाई बंदा पहचान लेगा जो कि NJPW देखता है कि हाँ भाई ये तो जे वाइट को कह रहा हूँ एक तरह का WWE उनका डेब्यू टीज कर रही है। तो बड़े डेब्यू का मतलब हो कि शायद जे वाइट भी आ सकते हैं जो कि NJPW के जरूर से बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े रिटर्न्स का यहाँ पर WWE ने यहाँ पर ये मतलब दिखाया है। उसमें शामिल हो सकती हैं रोंडा राउजी, उसमें शामिल हो सकते हैं ब्रॉक लेसनर, उसमें शामिल हो सकते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk। अब यहाँ पर जैसे ही जो WWE और BT स्पोर्ट्स वाला नेटवर्क है ये बात पोस्ट करता है, यानी जो पूरा स्क्रीनशॉट है वो वायरल टाइप हो जाता है, तो फैंस काफ़ी सारे कॉमेंट करते हैं कि भाई यहाँ पर BT और स्पोर्ट्स जैसी बात बता रही है, अगर ऐसी रंबल पेपर व्यू के अंदर हो जाती है तो WWE के सभी फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। फिर इसको लेकर जो WWE और BT स्पोर्ट्स है वो खुद इस बात का क्लेरिफिकेशन देता है कि भाई देखो हम लोग सिर्फ एक स्पॉन्सर हैं WWE के, हम लोग खुद WWE नहीं है, हम यहाँ पर जस्ट प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग ये बात गारंटी नहीं कर रहे हैं कि ये सुपरस्टार का या फिर इस बंदे का जो डेब्यू है वो रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर होने वाला है। तो एक तरफ यहाँ पर उन्होंने एक बार टीज भी कर दी कि CM Punk, लेसनर, जे वाइट एंड रोंडा राउजी आप सभी को रंबल पेपर व्यू के अंदर आते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ वो इस बात से साफ समूह कर रहे हैं कि भाई उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि इनकी रिटर्न हो ही जाएगी। तो देखने में ऐसा लगता है पहले WWE और BT स्पोर्ट्स ने जानबूझ के ये बात टीज की है और उसके बाद भाई खुद ही क्लेरिफिकेशन दे दी कि हम लोग तो जस्ट एक मजाक कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर ऐसी फोटो पोस्ट करना प्लस ऐसे जो पोस्टर जो कि WWE का इस साल का ऑफिशियल ग्राफिक्स कह लो जो कि रॉयल रंबल पेपर व्यू का है उसके अंदर CM Punk का जो हाथ वाले ग्लव्स हैं वो शामिल होना, लेसनर के ग्लव्स शामिल होना, जे वाइट का ऑफिशियल स्वॉर्ड वाला थिंग शामिल होनी एंड रोंडा राउजी के अटायर भी शामिल होना जरूर से एक बहुत ही बड़ा साइन है कि शायद WWE इनकी रिटर्न भी प्लान कर रही है रॉयल रंबल पेपर व्यू के लिए। अब इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन, जब WWE ने खुद इस बात को टेस्ट कर दिया है कि लेसनर, CM Punk, रोंडा राउजी एंड जे वाइट आप सभी को आते हुए नजर आ सकते हैं रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर, आपके हिसाब से क्या ये रिटर्न्स पॉसिबल हैं या फिर नहीं? मेरे हिसाब से हाँ भाई, अगर WWE तो सब चीज़ें पॉसिबल है क्योंकि विंस मैकमैन रेटिंग्स को लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा गेमिंग चैनल चेकआउट नहीं किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, चैनल पर ऑलरेडी दो वीडियोज आ चुकी हैं, पहली है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग की और उससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी वो थी रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवंस के पूरे मैच की। तो अगर आपने अभी तक उन्हें चेकआउट नहीं किया जरूर से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत एपिक गेम प्ले एंड एपिक कमेंट्री के साथ आपको डबल एंटरटेनमेंट मिलेगा। बाकी इस चैनल पर भी अगर आप नए तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की और भी फ्रेश न्यूज जानने को मिलती रहे। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।